सोमवार को भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के तत्वावधान में किसानों ने ग्राम रुस्तमपुर तिगरी में सरकारी ग्राम समाज की जमीन पर नाली व चक्रोड पर भू माफियाओं द्वारा किए गए अवैध कब्जे को मुक्त कराए जाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। साथ ही मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रभारी मोहम्मद नाजिर पाशा ने कहा कि ग्राम रुस्तमपुर तिगरी में गांव के ही दबंग मुजफ्फर हुसैन, मुस्तकीम, मुर्तजा, मुस्तफा व गौसे आलम ने ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जा करके कुछ संपत्ति पर पुख्ता मकान बनाकर अनाधिकृत कब्जा कर लिया है। ग्राम समाज की उक्त संपत्ति से अनाधिकृत कब्जा हटाए जाने व उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही होना न्याय संगत है। भू माफियाओं ने गांव में काफी लोगों की जमीन पर कब्जा भी कर रखा है। आए दिन की शिकायतें होती रहती हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इस मौके पर वीपी सिंह, दारा सिंह, शंकर सैनी, सत्येंद्र सिंह आदि किसान यूनियन के पदाधिकारी मौजूद रहे। हमारे गांव रुस्तमपुर में 398 नाली है, कचरा नंबर 398 नाली है और नाली के बाद में 397 बना लिया और बनाने के बाद में बीच में नाली में भी मकान बना लिया, तो सरकारी नाला है तो सरकार द्वारा जमीन छोड़ी गई और उसी के बराबर में उत्तर साइड में चक्रोड है, चक्रोड पे भी अवैध कर लिया, फाटक वगैरह मकान में वो बंद कर लिया। इसके बारे में हम कई बार भी इंसाफ चुके हैं, लेकिन अभी तक इन पर कुछ नहीं चल रहे। हमारे क्या बजाय वो इतना दबंग आदमी है, लेखपाल कानून हो, इनकी अभी कई बार बात किया उसने वहाँ से पीते होते फेंक दिए, कई बार टीमें ऐसी टीम थी, लेकिन दबंग है मतलब बहुत बड़ा। साथ आ जाते हैं, हम यही चाहते हैं कि इसमें जो है कोई टीम बन के गठित होने के बाद में हमारे गांव पहुंचे और इसका जो है इन भूमाफियाओं से ये जमीन जो है मुक्त कराई जाए, मतलब कब्जा जो है हटवाया जाए इन लोगों।